रिपोर्ट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सोनिया गांधी ने अपने एक लेख में इमरजेंसी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है, जिस पर बीजेपी ने कहा कि देश में सिर्फ एक बार इमरजेंसी लगी है, कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। यह पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। आर्टिकल के जरिए सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार। पेपर लीक, चुनावी नतीजे जैसे मुद्दों को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंग। लोकसभा में विपक्ष ने जिस तरह से अपने तेवर दिखाए हैं, उससे यही लग रहा है कि अगले 5 साल सरकार पर विपक्ष के नेताओं का पलटवार होता रहेगा। संसद में नीट पेपर लीक पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रही है, तो वहीं पीएम मोदी के आपातकाल का जिक्र भी राजनीतिक मुद्दा बना है। लेकिन विपक्ष केंद्र सरकार के साथ साथ पीएम मोदी पर ज्यादा हमलावर दिख रहा है। इसकी एक बानगी देखी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के ताजा तरीन लेख में। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अखबार में आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया है। सोनिया गांधी के इस आर्टिकल में जो प्रमुख मुद्दे रहे, वो नीट पेपर लीक मामला, इमरजेंसी, 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे और स्पीकर चुनाव रहे। अखबार के अपने लेख में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया है। उन्होंने लिखा कि 2024 के चुनाव में पीएम की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार हुई। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने स्पीकर चुनाव को लेकर भी पीएम पर हमला बोला। अपने लेख में लिखा कि सरकार की तरफ से जब हमसे स्पीकर चुनाव में समर्थन की मांग की गई, तो हमने कहा कि परंपरा के मुताबिक उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। यही नहीं, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी नीट के मुद्दे पर पीएम मोदी पर जमकर बरसी। आर्टिकल में लिखा कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर चुप है। इस परीक्षा ने देश भर में कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है। सोनिया गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने लेख के जरिए लोकसभा में मोदी सरकार के आपातकाल के प्रस्ताव पर भी जवाब दिया। लिखा कि 1977 के चुनाव में लोगों ने आपातकाल पर अपना फैसला सुनाया था, जिसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया गया था, लेकिन 3 साल के भीतर ही कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिल गया जो पीएम मोदी की पार्टी अब तक हासिल नहीं कर पाई है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने अपने लेख के जरिए ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर फिर से अल्पसंख्यकों के घरों को महज आरोपों के आधार पर ध्वस्त कर रहे हैं। सोनिया गांधी के इस लेख पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी ने सोनिया के लेख पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा ना करने को कहा गया था, लेकिन विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर मुंह की खाई। अभी स्पीकर का मौका आया था, कहा था मोदी जी ने कि आप कंसेंसस बनाइए और स्पीकर के चुनाव में अपना कैंडिडेट मत खड़ा करिए, परंतु उनको तो कैंडिडेट खड़ा करना था, उन्होंने कैंडिडेट खड़ा भी किया और वहां पर वॉइस वोट से वोटिंग भी कराई। अब जब मुंह की खाली है तो कह रहे हैं कि मोदी जी कंसेंसस नहीं बना रहे। सच ये है कि वह अभी तक ये समझ नहीं पा रहे या ये उनके गले से नहीं उतर रहा कि उनको एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभानी है, ना कि हर बात पर नींद में करना है और हर बात पर टिप्पणी करनी है। यही नहीं, बीजेपी ने इमरजेंसी के मुद्दे पर भी सोनिया गांधी को जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि देश में सिर्फ एक बार इमरजेंसी लगी है, कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। उधर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की साथी पार्टी उद्धव गुट के संजय राउत ने भी 2024 के परिणाम को पीएम मोदी की व्यक्तिगत हार कह दिया। तो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं इस देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, वो असत्य है। कोई अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तो नहीं है। इमरजेंसी तो केवल एक ही बार लगा था, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। उनका देखने का, सोनिया गांधी जी का देखने का नजरिया है एक, लेकिन एक और नजरिया है इस चुनाव के नतीजों को देखने का, वो ये है कि भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार जो है रिजेक्ट कर दिया है। वो नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत हार है। यही मोदी अपने दम पर 400 पार की भाषा कर रहे थे, कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिली। राहुल गांधी को बोलते थे शहजादे की जितनी उम्र है उतनी भी सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन
शहजादे ने आपको हरा दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में 234 सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन फुल कॉन्फिडेंस में है, और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 99 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का जोश हाई है। दिल्ली एनसीआर में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन इसी के साथ बरसात के बाद हालात से निपटने में सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आया, और यह हाल तब का है जब अभी तो बारिश की शुरुआत ही हुई है। शुक्रवार को हुई मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया। दिल्ली दरिया बन गई और लोग तैरते नजर आए। कहीं गाड़ी डूब रही थी, कहीं घर, कहीं लोग। पानी की बूंद बूंद को तरसती दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश ही इतनी बरस गई कि राजधानी मुसीबतों का शहर बन गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियां फंस गई, नेशनल हाईवे तक पर पानी जमा हो गया। बारिश इतनी हुई कि इसने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जून में इतनी ज्यादा बारिश ने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जून के महीने में दिल्ली में 24 घंटों में अब तक की सबसे अधिक बारिश 28 जून 1936 को 235.5 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। इस बार शुक्रवार को हुई 228.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की माने तो ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में जून में औसतन बारिश 80.6 मिलीमीटर तक होती है, लेकिन इस बार 3 गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पहले ही बारिश में दिल्ली डूब गई, मथुरा रोड जलमग्न, प्रगति मैदान टनल बंद, तिलक ब्रिज अंडरपास में पानी, मिंटो रोड अंडरपास में सैलाब, संसद भवन, शांति मार्ग, लोधी रोड, लुटियन जोन, नेशनल मीडिया सेंटर, पौश इलाका हो या कच्ची कॉलोनी, हर जगह पानी पानी। दिल्ली ऐसी दिख रही थी जैसे समंदर में शहर समाया हो। पानी काफी हद तक कम हो गया है, तब जाके ये हाल है। जिस वक्त पानी जिस सब सुबह जब ताबड़तोड़ और मूसलाधार बारिश हो रही थी, उस वक्त यहाँ पानी का स्तर क्या रहा होगा। सुरक्षा के मद्देनजर इस पूरे टनल को बंद किया गया है, और कोशिश की जा रही है कि हैवी पंप सेट के जरिए, जो कि इस टनल में पहले से जब प्लानिंग की गई थी कि कभी इस तरीके की स्थिति आती है, कभी जल भराव की समस्या होती है या तेज पानी आता है, तो यहाँ से पानी की निकासी कैसे हो, तो बड़े हैवी पंप्स के जरिए पानी निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है। मॉनसून की पहली बारिश दिल्ली वालों के लिए आफत लेकर आई। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। वसंत विहार में एक निर्माणाधीन इमारत के